आईसीएसई क्लास टेंथ में 100% मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स कैसे लाए हिस्ट्री और सिविक्स में, इसको लेकर टिप्स ट्रिक्स एंड आइडियाज जो कि लेटेस्ट है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने डील करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली और बड़ी बात जो कि स्टूडेंट को यह देखनी होगी कि उसके जो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी है क्या, क्योंकि यह सबसे लेंथी पेपर माना जाता है, कुछ पता नहीं चलता। और स्टूडेंट के जो डेटा आए हैं कि अक्सर आउट ऑफ 80 मैक्सिमम 76 या 77 मार्क्स ही आते आए हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एक डेली रूटीन बनाइए, इसको फॉलो कीजिए। डेली रूटीन मतलब हर दिन एक रूटीन, इसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी क्यों शामिल करना है, इन दोनों में से किसी एक पेपर को भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री और सिविक्स के प्रिपरेशन को लेकर 100% एक्यूरेट और कैसे मार्क्स अचीव करने हैं इसके बारे में बताना है। सॉल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने ओसवाल गुरुकुल का जो भी सैंपल पेपर है उसको मैंने बनाने की बात कही है। लास्ट 10 ईयर के सैंपल पेपर को हल कीजिए और नीचे एक लिंक दिया गया सीआईएसई के ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां से रिवाइज इंप्रोवाइज जो सिलेबस है उनको आप सॉल्व कीजिए। तो जब आप हिस्ट्री और सिविक्स 2023 में आते हैं तो आपका करिकुलम गोल क्या होना चाहिए, एक कैरिकुलम आपको सीआईएसई के वेबसाइट पर दिखेगा जिसका कि ये लिंक है, और ये लिंक आपको सीआईएसई का ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। और ये जो देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को दिखला दिया गया है सीआईएसई ने अपने कई सारे सेमिनार में, और स्कूल आईसीएसई जो बड़े बड़े हैं वो अपने सेमिनार में बताते हैं कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो इनको देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप हिस्ट्री और सिविक्स के पेपर की तैयारी स्पेशली क्यों करें, तो यह पेपर एक हरकुलियन टास्क है क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है। इसका एक तो एक्सटेंसिव सिलेबस है, मोस्ट एक्सटेंसिव सिलेबस, जैसा कि सीबीसीआईएसई के जितने भी जानकार है वो बताते हैं। तो आईसीएसई एग्जामिनेशन 2023 के लिए ये बहुत बड़ा नॉकिंग टू द डोर पॉइंट है कि आप जैसे ही इस सब्जेक्ट में 80 मार्क्स ले आते हैं तो आपके मान लिया जाए कि 95% मार्क्स पहुंचने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट है जिसमें प्लान प्रिपरेशन ही आपको एस दिला देगा, आपको आगे बढ़ा देगा। ये बात आपको इसलिए समझना है कि गेट 100% मार्क्स। तो यहाँ पर एडुग्राफ में जो कि संयुक्ता चटर्जी ने बताया, और हिस्ट्री सिविक्स की वो पिछले 15 साल से भी ज्यादा समय से बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करते रही है, और डगलस मेमोर हाई स्कूल में कॉपी चेक करने के साथ पढ़ाती रही है, ये पूरी जानकारी है, केवल एक ही बात को आपने पकड़ लेंगे। तो उसमें डिस्कस किया गया कि सबसे सही मेथड क्या है, जो ट्रेनिंग दी गई और बताया गया इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, और इन सब विषयों पर जानने के लिए आपको सबसे पहले इन फोकस करने हैं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को इसके कुछ पॉइंट की ओर बताना और बढ़ाना होगा। जैसे कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को आप ले रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ले रहे हैं या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस, तो उसको रीड करने के साथ अंडरलाइन कीजिए और की नोट्स या की वर्ड अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फिर ईयर है, इन सब को। इसके बाद चैप्टर वाइज इस तरह की जानकारी होनी चाहिए, अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो सर्च करें इंपॉर्टेंट डेट्स को और उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पर एग्जांपल के लिए 16th of October 2005 ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, तो उस समय आप क्या करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर अच्छी तरह से पढ़िए कि क्यों था, क्या था। अब यहाँ पर रूल्स इनसाइट द लेटेस्ट पैटर्न एग्जामिनेशन, आपके लेटेस्ट पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज है, फिर आपके सब्जेक्टिव है, तो उन दोनों पैटर्न के लेटेस्ट अपडेट को देखना है कि पार्ट वन और पार्ट टू जो पैटर्न 2022 में था इसी को 2023 में इंप्रूव्ड यानी जोर दिया गया है। तो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तैयारी करनी, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बार बार कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको ये आसान होंगे, और इसके लेटेस्ट कल से आ रहे हैं अपडेट इस चैनल पर आईएससी और आईसीएसई के सभी सब्जेक्ट के। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पर पार्ट टू में जो सेक्शन बी है इसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट 1857 से 1917 तक पढ़ने हैं, फिर आपको पढ़ने इंडियन नेशनल मूवमेंट 1950 से लेकर 1947 तक, वाइस वर्सा और गांधी जी के संबंधित एक चैप्टर को आप ध्यान से देख ले, अक्सर आता है। फिर कंटेम्पोररी वर्ल्ड में टू जो क्वेश्चंस रहेंगे इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों शामिल होंगे, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप मुसोलिनी है और हिटलर है। फिर आपके वन क्वेश्चन आएंगे जो कि यूएनओ
एजेंसी, इसके बहुत सारे एजेंसी है जैसे अंकार्ड हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट से ये पूछे जाते हैं। अब कहा गया सिविक्स में यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन रहेंगे, याद रखने हैं। और बताया ये जा रहा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एक अल्टरनेटिव बना दिया गया कि वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो इस बात को याद रखने हैं, यहाँ पर अल्टरनेटिव बना दिया गया तो उसी चैप्टर को पढ़िए, अल्टरनेटिव वाले को नहीं पढ़ना है, हमको कहीं ना कहीं अपने टाइम को बचाने हैं, टाइम कम है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, यही सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री में UNO को आप देख लेंगे, इसके बाद इसके एजेंसीज को देख लेंगे, नाम देख लेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 अक्सर क्वेश्चन आता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 आफ्टरवर्ड से। सिविक्स में यूनियन लेजिस्लेचर और ज्यूडिशरी REG और स्कोरिंग चैप्टर, इसको आप बढ़िया से देख ले, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अब बात किया जाता है कि टाइम अलॉटमेंट है, बहुत आसान होगा जब आप चैप्टर को मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते अपने माइंड को सेट कीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर आप जा रहे हैं दो क्वेश्चन फ्रॉम कंटेम्पररी वर्ल्ड तो कंसंट्रेट कीजिए कि इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान से पढ़े। यहीं पर यदि आप चाहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करने और उसका अटेम्प्ट करने तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। रूटीन आपको मैंने शुरू में ही बताया है वीडियो के कि आपको डेली रूटीन बनाने है, यानी कि हर दिन कुआं खोदना है और आपको पानी पीने है। याद रखिए सिविक्स में यूनियन जो लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव है, ज्यादा समय बिताने हैं, यहाँ पर क्वेश्चन इससे ज्यादा रहने की संभावना 2023 में है जैसा कि बताया जा रहा है। तो आप एक डेली रूटीन बनाइए हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को, उसको आधे घंटे से इंक्लूड जो टाइम देते हैं उनमें तो सॉल्व करने हैं। अब आपके पास एक और चीज आ जाएगा कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री के चैप्टर है उनको ध्यान से देने होंगे और उनमें फेमस पर्सनालिटीज को निकाल लेना होगा, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन है, सुभाष चंद्र बोस है, हिटलर है, मुसोलिनी है, महात्मा गांधी के बारे में भी आ सकता है, या फिर दादा भाई नेहरू जी होंगे, गोपाल कृष्ण होंगे, इनको देखने हैं ये हिस्टोरिक इवेंट और जो कॉमन टाइप क्वेश्चन है नेशनल मूवमेंट से संबंधित है उससे क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप यहाँ पर करें। अब लास्ट मिनट हैंडआउट आपके लिए है कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो अंडरलाइन उसको जरूर करें, क्योंकि जितने आप अंडरलाइन करें और लिखने का प्रयास करें, अक्सर स्टूडेंट अंडरलाइन करते पढ़ देते सब आंसर आ रहा होता है लेकिन लिखने की प्रैक्टिस उनकी नहीं होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखे हिस्ट्री सीरीज और ज्योग्राफी लिखने का चैप्टर है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, दिस विल हेल्प यू रिमेम्बर द फुल चैप्टर। तो ये बात यदि आपकी आ गई हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप फिनिश कर देंगे और आपके 100% मार्क्स गारंटीड है, जिसको कोई नहीं रख सकता है। तो इस वीडियो को एक बार आप थम अप कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण ढंग से आपके लिए एक बनाता हूँ और प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ।